वेलकम बैक गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लकी भास्कर मूवी के डे 7 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जानेंगे मूवी आज के दिन कितना कर रही है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये मूवी जो है कि बॉक्स ऑफिस पे हिट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मूवी रिलीज हुई है और जिनके साथ ही ये मूवी ही रिलीज हुई है जो कि एक मास्टरपीस है। अगर आप कंटेंट ओरिएंटेड मूवी देखते हैं तो दोस्तों ये मूवी जो है कि आपके लिए एक मास्टरपीस हो सकती है, और उसके पीछे का रीज़न है सलमान दुलकर की एक्टिंग। और दोस्तों जिस तरीके से दुलकर सलमान एक्टिंग करते हैं भाई, वो एक्टिंग के किंग हैं, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। क्योंकि भाई इस मूवी को जितना ज़्यादा अंडररेट किया गया है ना भाई, वो कतई सही नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि दोस्तों दुलकर सलमान जो है कि बहुत ही बड़े अभिनेता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जो है कि बीते कुछ सालों में मूवीज बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार रही हैं। मूवी ने जो है कि पहले दिन 6,45,00,000 की ओपनिंग ली थी, दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन रहा था वो जो है कि 6,55,00,000 का रहा था। और वहीं बात करें इस मूवी के तीसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों तीसरे दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था वो भी 7,50,00,000 के करीब रहा था। चौथे दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 8 करोड़ था, और पांचवें दिन जो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था यानी कि मंडे का, वो 3,35,00,000 था। और दोस्तों कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करिए तो दोस्तों इस मूवी ने कल के दिन जो है कि काफ़ी अच्छी जंप दिखाई, और लगभग जो है कि 3% से इंक्रीमेंट करके इस मूवी ने 3,45,00,000 का बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन किया था। और वहीं दोस्तों बात करें मूवी के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आज के दिन मूवी फिर से थोड़ा सा जंप दिखा रही है, और मूवी लगभग जो है कि आज भी 3.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से कर रही है, और जिसके साथ ही मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा वो दोस्तों लगभग जो है कि 40 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया नेट हो चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि ये जो मूवी है काफ़ी कॉन्टेंट ओरिएंटेड मूवी है, और लोग जो है कि कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता हुआ दिख रहा है कि कॉन्टेंट ओरिएंटेड जो मूवी है उनको थोड़ा सा कम वॉच आउट करते हैं। क्योंकि अगर दोस्त लोग जो है कि ज़्यादातर मूवी चूज करते हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं उनको देखते हैं, लेकिन फिर जब कोई कंटेंट ओरिएंटेड मूवी फ्लॉप हो जाती है उसके बाद उस मूवी पर सिंपैथी दिखाते हैं और बोलते हैं यार क्या मूवी थी भाई, फ्लॉप हो गई। लेकिन जब खुद ही मूवी नहीं देखोगे तो मूवी तो फ्लॉप होनी ही है। और वहीं दोस्तों बात करें मूवी के अब तक के जो है कि ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अब तक जो है कि 16 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ओवरसीज से किया है, जिससे कि मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है टोटल बर्न बैड जो है कि अब तक जो है कि आज का इंक्लूड करके तो दोस्तों वो हो चुका है लगभग जो है कि 65 करोड़। जी हाँ दोस्तों 65 करोड़ जो है कि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक हो चुका है, और क्योंकि मूवी का जो बजट है वो दोस्तों 100 करोड़ है, तो मूवी को हिट होने के लिए दोस्तों लगभग 150 से 200 करोड़ कमाने होंगे, और जो कि मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मूवी की स्टोरी काफी बढ़िया है, और मैं यही कहूंगा कि इस मूवी जैसी स्टोरी आपको देखने नहीं मिलती जनरली, और तो इसलिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी आपका ओपिनियन है, आप जिस भी मूवी को देखें। तो दोस्तों यही है आज के वीडियो के लिए, और जिस मूवी ने जो है कि अब तक 65 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, और मूवी जो है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक फ्लॉप चल रही है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी हिट हो पाएगी या नहीं, अपने रिकमेंड में जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।